नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले भारत में बढ़ते हुए कोरोना के अपडेट को जान लेते हैं। आज 16 मई है और आज सुबह तक भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 85,940, ठीक होने वालों की संख्या 30,153 और मृतकों की संख्या 2752 हो चुकी है, जो कि यह आंकड़ा कल 15 मई सुबह तक भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 81,970, ठीक होने वालों की संख्या 27,920 और मृतकों की संख्या 2649 थी। बात 24 घंटे के आंकड़े पर करें तो 24 घंटे में 3970 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, 2233 लोग ठीक हुए हैं और 103 लोगों की मौत हुई है। तो ये थी कोरोना की अपडेट। कोरोना की कहर भारत में लगातार जारी है। आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने लोगों को भी घरों में रखने की सलाह दें। तो खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड से, जहां कैबिनेट मंत्री पुत्र अरविंद पांडे का अनोखा पहल देखने को मिला है। जी हां, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र से खबर है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति होने के चलते गरीब मजदूर परिवारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। इसी के चलते आज कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के पुत्र व भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अतुल पांडे अपने पिता के आदर्शों पर चल समाज के हर गरीब व बेसहारा वर्ग की मदद के लिए आगे आए। इसी क्रम में आज अतुल पांडे ग्राम पंचायत मसीत के मझरा बरेली नगर नंबर 1 में दर्जनों गरीब मजदूरों व बेसहारा लोगों के बीच पहुंचकर उनकी आर्थिक मानसिक पीड़ा को समझते हुए उनको कच्चा राशन उपलब्ध कराते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में ही रहें, आवश्यक कार्य होने पर ही मास्क लगाकर घर से बाहर जाएं, किसी भी परिवार को लॉकडाउन के चलते राशन की कमी नहीं होने दी जाएगी, न ही किसी भी परिवार को भूखा सोने दिया जाएगा। वहीं ग्राम पंचायत मसीद के प्रधान प्रतिनिधि हाजी रिजवान हुसैन ने कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देते हुए घर में रहकर लॉकडाउन का पालन करने सहित प्रशासन के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यही है कि पूरी ग्राम पंचायत में राशन संबंधी या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। देखें गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। समाज सेवी और जितने भी समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने स्तर से जैसा संभव हो पा रहा हर कोई मदद कर रहा है, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि विश्व और देश दोनों इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में समाज सेवी लोग अपने माध्यमों से लोगों की। अगली खबर यूपी के बरेली जिले से है, जहां जामा मस्जिद कमेटी ने किला पुलिस को किया सम्मानित। जी हां, यूपी के बरेली जिले के जामा मस्जिद कमेटी द्वारा किला थाने की पुलिस, नगर निगम और बिजली विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा कोरोना वायरस जैसी महामारी में भी अपने जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जिंदगी बचाने वाले इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। बरेली अमन कमेटी के द्वारा भी पुलिसकर्मियों, नगर निगम और बिजली विभाग और पत्रकारों को पुष्प माला पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने पूरे किले के क्षेत्र को अच्छी तरह सैनिटाइज किया, जिसके लिए हम आभारी हैं। लोग अपने घरों में रहें और इस जंग में काम कर रहे सभी प्रशासनिक लोगों को सहयोग करें और अल्लाह से दुआ करें कि भारत जल्द कोरोना मुक्त देखा जाए। देखें बरेली से शाहनवाज बेग की रिपोर्ट। आज यहाँ जामा मस्जिद का पूरा क्षेत्र जो है नगर निगम की टीम ने सैनिटाइज किया है। बहुत अच्छी दवा आज उन्होंने इस्तेमाल की। पूरी टीम आई थी 15 लोगों की। अमन कमेटी और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर नफीस साहब की टीम ने उन सबको सम्मानित किया, बिजली विभाग के लोगों को सम्मानित किया और पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया, मीडिया के बंधुओं को, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जिसमें घर से बाहर ना निकला जाए, घर के अंदर रहा जाए, इसी में हम सब सुरक्षित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही है कि हमारे देश में कोई भी भूखा ना रहे, तो हमारी अमन कमेटी इस बात की कोशिश कर रही है कि जो लोग भूखे हैं, अगर कोई फ़ोन आता है, हम उनके घर तक सामान अनाज पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये सारे जो कोरोना योद्धा हैं, इन सबको सलाम करते हैं हम कि इनकी वजह से, आप प्रेस वालों की वजह से जो है वो लोग जागरूक हो रहे हैं और समझ रहे हैं।
अगली खबर की शुरुआत यूपी के वाराणसी जिले से करते हैं, जहां वितरण किया गया फल, पानी, बाटल एवं बिस्किट। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के मिर्जामुरा थाना अंतर्गत NH2 पर सुहेल देव अधिकार मंच के संगठन और कार्यकर्ता प्रवासी मजदूरों को बिस्किट, फल, पानी का बाटल, खाने की सामग्री वितरित किए। ऐसे ही कई संगठनों ने सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प किया है और यह भी कहा है कि कोरोना वायरस से देश के विपत्ति के समय हम लोग संकल्प लेते हैं कि पूरी मजबूती के साथ असहाय गरीब मजदूरों की सेवा करते रहेंगे और हर संभव मदद करने को तैयार भी रहेंगे। देखें मिर्जामुरा से बड़ेलाल शुक्ला की रिपोर्ट। जी सर्वेश भारद्वाज, सुहेल देव राजभर अधिकार मंच, राष्ट्रीय सचिव। आप लोग ये शिविर जो है कितने दिनों से चला रहे हैं? सर ये शिविर आज सुबह से 6 बजे से चलता हुआ आ रहा है। सुहेल देव राजभर अधिकार मंच एवं राजू इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा, सभी दानकर्ताओं के द्वारा ये सब कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये सभी लोगों के सहयोग के द्वारा ये सब कार्यक्रम चल रहा है। मतलब आपकी जो सुहेल देव अधिकार मंच संस्था है उसी के द्वारा ये चलाया जा रहा है? सुहेल देव राजभर अधिकार मंच एवं राजू इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये स्थान कौन सा है? ये स्थान वाराणसी हाईवे मोहन सराय रोड पर है। तो कितने अब तक क्या आप लोगों ने दिया इन? अब तक हम यहाँ पर 50 केजी अंगूर और 50 दर्जन केले, साथ में 50 केजी आपके तरबूज एवं साथ साथ 200 पीस बिस्कुट और साथ साथ आपके 200 बोतल पानी एवं 100 फ्रूट के बोतल हम यहाँ पर दे चुके हैं सभी लोगों को। वितरण का कार्यक्रम देने के बाद आप कैसा फीलिंग कर रहे हैं, क्या महसूस? ये देने के बाद सर अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जो प्रवासी आ रहे हैं इस समय, हम तो घर पर हैं लेकिन प्रवासी मजदूरों की जो पीड़ा है उसे देखा नहीं जा रहा, उसके लिए हम सब लोग मिलकर एक कदम उठाए हुए हैं ये देने के लिए कार्यक्रम। जी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां एक दर्दनाक खबर आ रही है। जी हां, यह बहुत ही दर्दनाक खबर है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। CRPF जवान ने परिवार संग किया है सुसाइड। जी हां, बड़ी खबर यूपी के प्रयागराज जिले से आ रही है। यूपी के प्रयागराज जिले में CRPF ग्रुप सेंटर पड़िला में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात से सामने आई है, जहां CRPF जवान ने अपने पत्नी और 2 बच्चों को गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना की जानकारी होने पर CRPF के आला अधिकारी और जिले के पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच करने लगे। ड्राइवर के पद पर तैनात CRPF जवान थरवई थाना क्षेत्र मंप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ग्रुप सेंटर है। ग्रुप सेंटर में ही रहने वाले 224 बटालियन में ड्राइवर के पद पर तैनात विनोद कुमार यादव प्रयागराज जनपद में मेजा तहसील के सिरसा इलाके का रहने वाला था। उसने शुक्रवार रात पत्नी बिमला, 15 वर्षीय बेटा संदीप और 12 वर्षीय बेटी सिमरन को गोली मार दी। पत्नी और बच्चों की मौत के बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी भी कर ली, इससे चारों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी होने पर CRPF के जवानों में खलबली मच गई। जवान ने ऐसा कदम क्यों उठाया यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूचना पाकर CRPF और जिले के आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जाँच कर रहे हैं। थानाध्यक्ष थरवई भुवनेश्वर चौबे ने बताया कि प्रारंभिक जाँच में मामला पारिवारिक कलह का माना जा रहा है। सौ को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जवान के घर वालों को सूचना भेज दी गई है, वे भी घटनास्थल के लिए निकल चुके हैं। देखें शांतिपुरम से विवेक शुक्ला की रिपोर्ट। वजह क्या रही? तो वजह तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। विनोद यादव आरक्षी चालक हैं CRPF के यहाँ से और उनके द्वारा दरवाजा। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां प्रवासियों को पूड़ी, सब्जी, बुनिया, बिस्किट इत्यादि दिया गया। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के कपसेठी थाना क्षेत्र के कालिका धाम चौराहे पर भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह, विवेक मिश्रा, मंडल अध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह, उपाध्यक्ष चंद्रकांत पांडे, भाजपा युवा नेता मनोज सिंह, सोमेंद्र श्रीवास्तव, संजय दुबे, नीरज दुबे, सौरभ सिंह, रोहित सिंह, राजेंद्र मिश्र व संरक्षक बाल मुकुंद सिंह व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं में अनुरूल तिवारी, रोहित सिंह, अखिलेश पांडे आदि भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से दूर दराज से आ रहे प्रवासी भाइयों, बहनों और छोटे छोटे बच्चों को विधि पूर्वक सैनिटाइजिंग कराकर जगह जगह कैंप लगाकर पूड़ी, सब्जी, बुनिया, बिस्कुट वितरण कराया गया।
वहां पर उपस्थित अन्य कर्मचारियों का कहना है कि पीएम मोदी के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन जनता के हित में है और हम लोगों का इसका पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं और सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि दूर दराज से आ रहे प्रवासियों का सेवा करने का ऐसा अवसर हम लोगों को मिला है। देखें कपसेठी से पंकज पटेल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं पंकज पटेल, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम लोग कालिका धाम चौराहे पर उपस्थित हैं। यहाँ पे हमारे माननीय नेताजी श्री देवेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पे दूर दराज से जो आ रहे हैं प्रवासी उनके लिए ये राहत सामग्री उपलब्ध कराने का, खाने पीने का, पूरी सब्जी व बुनिया उपलब्ध कराए हैं। आइए बात करते हैं नेताजी से। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक, जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं न जाएं क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें या प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके खबर को अपलोड कर दें। नमस्कार।